हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 9:30 बजे से। नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो गया, सुबह का सारा काम निपट गया था, बस पानी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पानी आएगा। तो अभी 9:30 बजे हुए हैं और अब जाके पानी आ रहा है यहाँ पर। अभी पूजी और मैंने एक डब्बा ऊपर से लिया है हम लोग हैंडपम्प से, और अभी यहाँ पानी आ चुका है। तो यहाँ पर पानी भरने गए हैं मम्मी और पूजी, मैं घर पर हूँ और धूप लग रखी है बाहर। बादल आते आते, बारिश आते आते चले जा रही है, पानी कहाँ को, गर्मी यहाँ पे हो ही रही है। लेकिन बादलों से ये कि उतनी जैसे पहली गर्मी हो रही थी थोड़ा सा राहत है, पर अगर बारिश आती तो और भी अच्छा होता। बादल रोज लग रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। दोस्तों यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, आपके वहाँ हो रही है तो आप बताना, क्योंकि दिल्ली विल्ली में तो बारिश हो रही है, शायद किसी ने लगाया था ना स्टेटस वगैरह, यहाँ हो नहीं रही है बारिश। ठीक है, तो अभी दिन भर में जो भी होता है फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ा मौसम दिखाती हूँ वो क्या हो रहा है करके। यहाँ देखो हल्के हल्के बादल हैं वैसे, ये इधर को भी बहुत सारे बादल हैं पर बारिश नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों शाम का टाइम है और यहाँ पे सब्जी वब्जी काट रही थी पूजी, कद्दू की सब्जी काट रही थी। दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है ना, बुखार वगैरह हल्का सा बुखार और गैस बन रही है ज़्यादा, तो उसकी वजह से। तो तब मम्मी ने दलिया बनाया था दिन में, दलिया खाया और दलिया खा के थोड़ा अच्छा लगा, मुझे मन तो नहीं करता खाने का, बट मम्मी ने जबरदस्ती कहा कि दलिया खा, इससे कुछ नहीं होता करके, तो थोड़ा उसको खा के एनर्जी जैसे आई मेरे शरीर में। तो आज गाड़ी चलाने में नहीं जा रहे हैं, आज पापा गए गाड़ी चलाने के लिए, गौरू चले गए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। पूजी यहाँ पर पानी का इंतजार कर रही है, आज यहाँ पर टैंकर आया है गाँव वालों के लिए, पानी की कमी हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ भीड़ लगी है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी भीड़ लगी है। तो सब लोग टैंकर से ही पानी भर रहे हैं अभी। वैसे नल में सुबह कम ही पानी आया था तो हमने भी अभी एक दो डब्बे कैरी में डाल दिए कि टैंकर में पानी मिल जाएगा करके, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अब पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन बर्तन वहाँ पर हमने भी दो रख दिए हैं और पूजी इंतजार कर रही है अपनी बारी का। मैं आपको दिखा, ये देखो दोस्तों टैंकर आ रखा है वहाँ पर, वहीं पर हैंडपम्प भी है, वो हैंडपम्प आजकल टूट रखा है तो यहीं पर टैंकर आ रखा है। और अभी सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पानी तो ऐसे मोटा आता है टैंकर में, बट जल्दी ख़त्म भी हो जाता है ना। अब ज़्यादा भीड़ तो नहीं है वैसे उस हिसाब से, तो देखते हैं हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटे के बाद पूजी का भी नंबर आ चुका है और 3 डब्बे भर के ले आई है पानी। और अभी वहाँ पर अभी भीड़ कम हो गई होगी, शोर से लगी थी, अब मिला इसको पानी, बुलाती हूँ ऐसे पूछते हैं कुछ। अंदर आओ, पूछती हूँ कल के हैं, कितने मटा ज्यादा हो जाएगा। ठीक चीज हूँ ना, सिर्फ कॉकरोच आएंगे तब उसको खाएगी क्या? अभी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं मुँह खर दो बार वाला है, तो आज दूर गाय है हमारे भी मुँह धोकर गर्मी होगी वहाँ पे बैठे बैठे। इसको 1 घंटे के बाद इसका फाइनली नंबर आ चुका है। तो कुछ क्या मतलब एक्सपीरियंस बताओ टैंकर के सामने क्या हुआ? क्या एक्सपीरियंस होना है मैम? पर हमारा कुछ नहीं होना है, फिर भी सब ला गया। अब इतने बड़े बड़े बर्तन हमारे पास है भी नहीं उतने, 3 डब्बे हमने भी भरे छोटे छोटे, वो भी वो हो गया, भर लिया, वहाँ पर नहीं जाना दोबारा। और भीड़ अभी भी यार, वो भी सब अभी भी उतनी है, वो वापस लौटा लौटा के ला रहे, मतलब लोग ड्रम में मुका मुका के, मतलब एक बार गए दूसरी बार ऐसे करके ला रहे। हमने तो 3 ही कर रहे थे खाली, वो भी क्यारी में पानी डाल दिया था, भर चुके हैं तो हमारा तो पानी का कोटा हो गया फुल। और अगर नहीं भी आता तो हम इसके भरोसे बैठे नहीं थे वैसे भी, ऊपर हैंडपम्प से ले आते या नल से ले आते, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी पूजी यहाँ पर बनाने लगी है सब्जी, ये देखो किसान लड़की हमारी। सब्जी मैंने काट दी थी, को आधे कांटे में से गई थी ना, तो कद्दू की सब्जी मैंने काट दी है, अभी सब्जी बना रही है, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, हो सकेगा तो, वरना यहीं पर निकलती हूँ। थैंक यू सो मच।